पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS Now। सबसे पहले तो 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे सभी शिक्षा मित्र साथियों को बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने हजारों रुपए किराया खर्च करके अपना कीमती समय संगठन के बुलाने पर आप लोगों ने लखनऊ आकर दिया, जिसकी वजह से सरकार में आप लोगों के प्रति हलचल हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए आप लोगों के लिए संदेश भेजे। क्योंकि हम लोगों का धरना अनवरत कार्यक्रम था और यह हम लोगों का मानना था कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे। वही लक्ष्य लेकर के हम लोग चले थे और लगातार हमारे शिक्षा मित्र साथी लखनऊ की धरती पर पहुंच रहे थे। दोपहर को 1 बजे लगभग 1 लाख शिक्षा मित्र साथी हमारे लखनऊ के इको गार्डन के अंदर थे। हम लोग अपनी बातें कह रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष हमको संबोधित कर रहे थे, सारे लोग अपने अपने व्यथा रख रहे थे। जब शासन और प्रशासन के लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो बाहर हैं, सारे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बाहर हैं और आपकी मुलाकात किससे कराई जाए, तो हम लोगों ने विचार किया और कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर हैं तो आज नहीं तो कल आएंगे, हम लोग कल मुलाकात करेंगे। तो प्रशासनिक अमला थोड़ा सा ढीला हो गया कि ये लोग कल तक ऐसे ही बैठेंगे और जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो इनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन 1 लाख लोगों के बीच में हम अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहते थे और हमने 1:45 पर आप सबके सामने ऐलान किया कि अगर 3 बजे तक हमारी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से नहीं कराई जाती है तो 3 बजे हम लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए कुछ करेंगे। इसको आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोग इसके साक्षी हैं और आप सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आधे घंटे बाद ही LIU, IB और प्रशासन के अधिकारी सब लोग आए और संगठन संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है और आप लोग मुख्यमंत्री आवास चलिए। हम लोगों में से 6 लोग प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह और प्रदेश मंत्री विनोद वर्मा के साथ मैं सुशील कुमार प्रदेश महामंत्री प्रशासन की गाड़ी में बैठकर 5 कालिदास मार्ग पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों की एंट्री एक अध्यापक के तौर पर हुई, ना तो वहाँ पर कोई सुरक्षा जांच हुई और बहुत ही सम्मानपूर्वक अंदर बैठाया गया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि उन्होंने शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को सम्मान दिया। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री चौहान जी आए और उन्होंने बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुई है कि आप लोग लाखों की भीड़ में लखनऊ एकत्रित हुए हैं और आप लोग परेशान ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको शिक्षक दिवस की बधाई दी है, संदेश दिया है और मुझे निर्देश दिया है कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि जब मैं लखनऊ आऊँगा तो इन लोगों से मिलूँगा भी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सारे गोरखपुर में हैं, मैं इनको अभी बोल दे रहा हूँ कि जो हो सकता है वो सारी चीज़ें तैयार करें, लखनऊ लौटने के बाद बैठक होगी। सारी बातें उन्होंने बताई, उसके बाद हमारा उन्होंने मांग पत्र भी लिया कि हम लोग क्या चाहते हैं और प्रतिनिधिमंडल के नाम भी उन्होंने लिए कि किस किस को मिलवाना है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी के लौटने तक। हम लोग लौटे इको गार्डन और सारी बात आप लोगों से बताई गई। सारी बात बताने के बाद एक निर्णय ये हुआ, क्योंकि उस समय तक हम लोगों को ये जानकारी हो रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन 6 तारीख को लखनऊ शायद आ जाएं, तो आप लोगों के विचार विमर्श लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी ने यह ऐलान किया जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम लोग इको गार्डन बैठेंगे। आप सबने समर्थन दिया और प्रांतीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग रात को यहीं रुकेंगे और कल पुनः 10 बजे से धरना शुरू किया जाएगा। उसके बाद बारिश हो रही थी, बारिश में ही राष्ट्रगान के बाद उस दिन के धरने के समापन की घोषणा की गई। अगले दिन की तैयारी थी, एक सभी लोगों से मिल करके लगातार आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं, प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी भी हमारे साथ वार्ता में थे, मैं नाम भूल रहा था, द्विवेदी जी, विनोद वर्मा, वसीम अहमद, सारे लोग पूरे मैदान में घूम घूम कर आप सबसे हालचाल ले रहे थे और 7:15 बजे के आसपास मैं TV9 के डिबेट में मैं गया और अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी, लखनऊ जिले के साथी और तमाम पदाधिकारी मैदान में ही थे।
बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई और आपने वहाँ देखा कि जैसे ही अध्यक्ष जी का भाषण हुआ उसके बाद आदरणीय राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष तिवारी जी का भाषण हो रहा था और लोग वापस जाना शुरू हो गए। जब आपने हमसे वादा किया था तो आप रुके नहीं, आप में से बहुत सारी बसें निकल रही थी, हमारे साथी रोक रहे थे लेकिन नहीं रुके। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा उन अपने 30 से 40 हज़ार शिक्षा मित्रों का जो उन लोगों के जाने के बाद भी विचलित नहीं हुए और वह जो है इको गार्डन में ही रुके रहे। मैं उन सभी जाबाज भाइयों बहनों को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने अपनी बात को कायम रखते हुए लखनऊ नहीं छोड़ा। उसके बाद रात में आपने देखा कि प्रशासन ने यह कहा कि आप लोग रात में यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाइए, सुबह जब 6 बजे ताला खुलेगा तो आप लोग पुनः आ जाइएगा। ये व्यवस्था हो रही थी, ये हुआ कि खाना बन रहा है खा लिया जाए उसके बाद लोग जाएंगे। लेकिन शायद आप सबको नहीं पता है, हमारे लगातार पदाधिकारियों को पता है, जितने भी पदाधिकारी थे, कि वहाँ पर हमारे कुछ साथियों द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से प्रशासन के लोग उनसे नाराज हुए, ना कि शिक्षा मित्रों से नाराज हुए, और उन्हीं की वजह से कहा कि आप सारे लोग इको गार्डन के बाहर जाइए, सुबह आइएगा। हम लोग गए, अध्यक्ष जी थे, सारे लोग थे, समझाते रहे। रात में 10:30 बजे तक इको गार्डन के अंदर से लोगों को बाहर बैठाया गया कि आप लोग बाहर जाइए। मथुरा के लोग वहाँ पर थे, चित्रकूट के लोग वहाँ पर थे, इन लोगों की बसें सबसे पीछे थी। 11 बजे रात तक इन लोगों ने भोजन बना करके वहाँ पर खाना खा करके वहाँ पर थे इको गार्डन के अंदर। लेकिन 11:30 बजे के आसपास पुनः प्रशासनिक फ़ोन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आता है कि जब आपके लिए बता दिया गया है कि आपकी मुलाकात होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन तक लखनऊ से बाहर रहेंगे, तो ऐसे में इतने बड़ी संख्या में 40,000 शिक्षा मित्र अभी लखनऊ में, इनको परेशान करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और यह माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि आप लोगों की बात भी होगी, आप लोगों का काम भी होगा, लेकिन ये जो 35 से 40 हज़ार शिक्षा मित्र हैं इनको घर भेजिए। अगर ये लोग लखनऊ रहेंगे तो इनको दिक्कतें होंगी, मौसम ख़राब है, ये शासन द्वारा हमें बताया गया। जब यह जानकारी संगठन को हुई कि मुख्यमंत्री जी सोमवार को लखनऊ लौटेंगे, तो हम लोगों ने एक आपात बैठक 11:30 बजे अपने कार्यालय दारूसभा में बुलाई और वहाँ पर आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, आदरणीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ श्यामलाल यादव जी, मैं, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी और कम से कम 20 जिला अध्यक्ष वहाँ पर मीटिंग में थे। आधे घंटे विचार विमर्श करके निर्णय ले करके यह निर्णय लिया गया कि सरकार जो बात कह रही है उसको मानना चाहिए, क्योंकि पहले भी हम 2-3 बात ना मान करके अपने साथियों का नुकसान करा चुके हैं। चाहे वो TET के मामले में हो, सरकार की बात नहीं मानी, चाहे 17,000 मानदेय को लेकर के वो हमने बात नहीं मानी, तो उन सब चीज़ों को पूर्व के गलतियों से सीख लेते हुए संगठन ने निर्णय लिया कि धरना का समापन किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन बाद आएंगे, तब तक का इंतजार किया जाए। इसलिए मैं आप सबसे पुनः क्षमा चाहता हूँ कि आपके हितों की रक्षा के लिए, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया रात में, जिससे आपको कुछ परेशानियाँ हुई। यह निर्णय लेने के बाद मैं, मेरे साथ प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा, मेरे साथ जिलाध्यक्ष वाराणसी भाई अजय कुमार सिंह, मेरे साथ जिलाध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी, चारों लोगों ने वहाँ दारूसभा से निकल करके पुनः इको गार्डन पहुँचे और इको गार्डन के आसपास चारों तरफ लगभग 100 बसें खड़ी थीं। उन बसों में जा करके लोगों से बताया गया कि अब आप लोग घर जाइए, धरने का समापन हो गया है, परेशान मत होइए। रात में 1:30 बजे तक यह सिलसिला चलता रहा। इंद्रसेन यादव 2 बजे हमारे जिला अध्यक्ष चित्रकूट 2 बजे इको गार्डन में थे, उनसे हमारी बात हुई, उनके साथ करीब 400 लोग थे चित्रकूट के, उन लोगों को भी धीरे धीरे वहाँ से बताने का काम किया गया। 2 बजे के बाद हम लोग वहाँ से हटे हैं और सुबह 6 बजे से पुनः पता चला कि जो हमारे शिक्षा में साथी आसपास कहीं रिश्तेदार के यहाँ या किसी धर्मशाला में ठहरे थे वह पुनः पहुँचना शुरू हो गए थे, तो वहाँ पर फिर 6 बजे से लखनऊ से दिनेश बाबू को भेजा गया और पुनः हम अपने चारों लोग, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी और जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, चारों लोगों ने जा करके 11:30 बजे दोपहर तक इको गार्डन के पास जो लोग आ रहे थे उनको बता करके उनको घर भेजा जा रहा था, क्योंकि उनको जानकारी नहीं हो पाई थी। उसके बाद शासन से फ़ोन आया कि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग के लिए बुलाया। मेरे साथ प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, हम लोग NXC गए और 1 घंटे इंतजार करने के बाद मुख्य सचिव महोदय मीटिंग ले रहे थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास उनके साथ हमारी बैठक हुई। मुख्य सचिव महोदय ने पूरी बात समझी, पूरी बात जानी, उसके बाद उन्होंने वहीं से पता किया कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और DG स्कूल शिक्षा गोरखपुर से लखनऊ लौटे हैं कि नहीं, क्योंकि 5 सितंबर को सारे बेसिक शिक्षा के अधिकारी गोरखपुर में थे। जब पता चला कि नहीं आ गए हैं,
तो उन्होंने 5 बजे दोनों अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और हम लोगों से कहा कि आप लोग जाइए, हम इस विषय में पूरी जानकारी कर ले, उसके बाद मुख्यमंत्री जी जब आएंगे आप लोगों की मुलाकात होगी और उसमें हम रखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आउट ऑफ स्टेशन होने के बाद राज्य के मुखिया मुख्य सचिव होते हैं, और इक्वल टू माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में 6 तारीख को उन्होंने हम लोगों से बात की। 5 बजे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और डीजी स्कूल शिक्षा से मीटिंग करने के बाद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय का फ़ोन आया और उन्होंने मीटिंग के लिए 6 बजे बुलाया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार शुक्ला जी, कोषाध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा जी, प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह जी, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी, जिला अध्यक्ष नोएडा जगबीर भाटी जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी और हमारे साथ प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी, सारे लोग पहुँचे और वहाँ पर मुलाकात की, बात की, करीब आधे घंटे चली बात। और हमारी मुलाकात का नेतृत्व मेरठ से शिक्षक संघ के MLC परम आदरणीय श्री श्री चंद शर्मा जी ने किया। सारी बातें क्लियर हुई, उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव महोदय से क्या बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में उनसे क्या कहा, मंत्री जी ने गोरखपुर में क्या कहा, और उन्होंने यही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे आप लोगों की मीटिंग के लिए, उन्होंने दिखाया भी कि ये संदेश आपके लिए आया है। तो अब मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि जो आपको रात में परेशानी हुई या सुबह परेशानी हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आपके हितों को लेकर के वो फैसला लिया गया जिसका दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन का इंतज़ार आपके बीच है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, वह सारी दिक्कतें आप भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे। 3 दिन से लगातार सिर्फ इसी चीज़ पर मंथन चल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री से क्या क्या बात होना है, कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। कुछ आप लोगों ने सवाल किए ग्रुपों पर, उसका मैं आपको अभी जवाब देना चाहता हूँ। आपने लिखा कि परमिशन 1 दिन की थी, ऐसा नहीं है, हमारी परमिशन 5 तारीख को कार्यक्रम शुरुआत करने की थी और धरना अनवरत चलना था, इसलिए समापन की कोई तारीख नहीं डाली गई थी, ना ही कोई समय डाला गया था। उस पर आप लोगों को कन्फ्यूजन दी जा रही है। जो अधिकारी हम लोगों को बुला करके मिल रहे हैं, उन अधिकारियों से मिलने के लिए लोग धरना कर रहे हैं, आप ये भी विचार करिए, वही लोग आपको बरगला रहे हैं। जो अधिकारी हमको बुला करके मिल चुके हैं उनके लिए वो धरने की नोटिस लेके घूम रहे हैं कि हमारी कल मीटिंग है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने आपकी मीटिंग है, जो हमसे वो बताया जा चुका है वही कल आपसे बताया जाएगा। अब केवल और केवल इंतजार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कोशिश है कि पूरी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की हो सकती है, कल अगर कहीं व्यस्तता रही तो परसों जरूर मिल जाएगा समय। इसलिए जो भी लोग आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं उनके बरगलाने मत आइए। मैंने कहा था ये अंतिम धरना है और ईश्वर की कृपा रही तो ये अंतिम धरना ही रहेगा, इसके बाद आपको धरना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वार्ता हुई है वह वार्ता बहुत अच्छी रही है और बस आशीर्वाद चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमसे जो लोग नाराज हैं उनकी नाराज़गी अपने आप दूर हो जाएगी और आप लोग 2-3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखेंगे। मैं लगातार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बार बार सूचना दे रहा था, लगातार कहीं से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है प्रयास में, और पुनः आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि 1 लाख की संख्या में आपने लखनऊ आकर शिक्षा मित्रों की एकता को जीवित किया। मेरी एक छोटी सी अपील पर एक साथ आए आप सबको मैं जितनी बार धन्यवाद दूं मेरे लिए कम है। अपने इस छोटे भाई की अपील पर आपने 1 लाख की संख्या में दिखा दिया कि शिक्षा मित्र एक है, एक था और एक रहेगा। अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा मित्र जागरूक है, शिक्षित है और कहीं से भी बटने का काम नहीं किया है। और एक बार और एक अपील मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से करता हूँ, जहाँ इतने दिन हो गए 2-4-10 दिन और सही, किसी भी तरह का अपने जीवन के प्रति गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि आप तो गलत कदम उठा लेंगे लेकिन आपके परिवार के लोग, आप कैसे वो रहेंगे, इस बात को आप जरा एक बार सोचिए। इस तरह की कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो दिल अंदर से झकझोर जाता है। आज एक घटना झांसी में हुई है, मैं बता नहीं सकता कि आज सुबह मुझे आपको संबोधित करना था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत प्रयास किया तब जा करके अब आपके समक्ष आने का मन हुआ। ये कुछ घटनाएँ हृदय विदारक होती हैं जो सहन शक्ति से बाहर होती हैं। आप सभी लोग परेशान ना हो, अब मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुँचे होंगे और मैं लगातार सभी लोगों से बात भी कर रहा हूँ और सभी जिलाध्यक्षों के संपर्क में भी हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग सुरक्षित घर पहुँचे हैं। कुछ लोग आज पहुँचे हैं, जो लोग कल रुक गए थे, कुछ लोग अयोध्या गए थे वो आज पहुँचे हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो लोग कहीं दर्शन करने गए होंगे वो भी आज अपने घर पहुँचे और संगठन पर भरोसा रखें। बस बहुत जल्द आपको अपने सभी सवालों का जवाब समय देगा। हो सकता है आज हमारी बातों से आपको अच्छा ना लग रहा हो, ना समझ रहे हो कुछ लोग, लेकिन
बहुत जल्द वो समय आएगा कि आप सारे लोग अपने उस वास्तविकता से परिचित होंगे और आपके सारे सवालों के जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। मैं आदरणीय MLC मेरठ श्री श्रीचंद शर्मा जी को, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव OSD विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री चौहान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो मैं UPPS छोड़ दूंगा। आपने लिखा है मैं खुद छोड़ दूंगा, अगर काम नहीं हुआ तो मैं खुद छोड़ दूंगा, इस तरह से बात मत लिखिए। मुलाकात होगी, काम भी होगा, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आत्मविश्वास को जगा के रखिए। संगठन को छोड़ने से, संगठन को कुछ कहने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। संगठन के साथ मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कराने से भला होगा, इस विषय पर आपको सोचना है। हमारे कुछ लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए कुछ गलत कमेंट किए हैं, जिससे हम उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षा मित्र आहत हैं। कृपया गुस्से में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि अगर कभी हमारा आपका सामना हो तो फिर हमारी आपकी नज़रें झुक जाएं। इसलिए सभी लोग लगातार 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को मर्यादा में रहकर, शिक्षक की मर्यादा में रहकर बात करिए और रिजल्ट जल्दी ही आपके पक्ष में होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जो बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई है वो वार्ता गलत नहीं है, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष भी थे, आप उनसे ही पूछ सकते हैं। हमारे 4 जिलाध्यक्ष थे। यहाँ पर अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं बताया जाता है, जो होता है वही बताया जाता है। मैं लखनऊ में रहकर, लखनऊ में अपने घर 3 दिन नहीं जा पाया, क्योंकि आपको पता है कि जिसके घर में बारात आती है उस परिवार के मुखिया को क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। लखनऊ हमारा घर जरूर है, लेकिन लखनऊ में रह के 3 दिन नहीं जा पाया। पूरी पूरी रात 4 तारीख से लेकर के 3, 4, 5, 6, 4 दिन लगातार आप लोगों के लिए घर न गया और रात में व्यवस्थाओं में लगा रहा, लेकिन आप देखते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ ऐसा भी रात इको गार्डन हुआ जिसका हमें अफसोस है कि कुछ 2-4 लोगों की वजह से प्रशासन हमसे नाराज हुआ, लेकिन उन्होंने जो सहायता की माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुलाकात कराने के लिए, उसके भी धन्यवाद देता हूँ। जो लोगों ने थोड़ा सा गलत किया, ऐसे साथियों से निवेदन है कि कृपया इस तरह का कोई कृत्य ना किया करें, जिससे, चूँकि हमारी गरिमा है शिक्षक की, शिक्षक की गरिमा और आचरण एक अलग होती है, उसी के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हमने अपने पत्र में मृतक शिक्षा मित्रों के लिए भी लिखा है, जो TT और CTET की बात अलग से कर रहे थे हमने अपने पत्र में वो भी लिखा है। जो लोग कहते जानकारी नहीं देते, वो सारी जानकारियाँ संगठन द्वारा दी गई हैं। हम लोग 1,47,000 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग किसी टुकड़े में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई व्यवस्था बांट के काम नहीं कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था होगी वह सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए होगी। मैं माँ चंद्रिका से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की मेहनत को सफल करें, आप लोगों के लखनऊ आने का कार्य सफल हो और माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको आशीर्वाद दें। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका साथी, आपका भाई सुशील यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन।